वजीरेक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके ऊपर सभी का भरोसा था और सभी के उसके ऊपर फंड्स भी पड़े थे, ट्रेड भी लगे हुए थे। लेकिन आज के दिन अभी एक महीना हो चुका है और अभी भी जो ट्रेड्स हैं शुरू नहीं हुए, विड्रॉल शुरू नहीं हुए। एक्सचेंज को यहाँ पे यह भी डर है कि अगर विड्रॉल शुरू हो जाते हैं तो क्या है कि सडनली सभी यही चाहेंगे कि वो अपने फंड्स को एकदम से निकालें वजीरेक्स से, और वजीरेक्स के पास शायद उतना पैसा ना हो, चाहे वो INR हो चाहे वो क्रिप्टो, कि उनके पास इतने फंड्स ही ना हो कि आपको वो प्रोवाइड कर पाएं। इसी को लेकर अभी वजीरेक्स की और बाइनेंस दोनों की काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं जो कि हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। वॉल स्ट्रीट पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर हमने सारी अपडेट्स डाली हैं। लास्ट जो अपडेट आया था निश्चित शेट्टी के द्वारा वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो जाकर चेक कर सकते हैं। एंड मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया था कि यही एक ऐसा समय है कि जब बाइनेंस इंडिया में अनबैन हो चुका है, इन्होंने अपना पूरा जो पेनल्टी बनती थी, फाइन बनता था, वो पे कर दिया है। पे करने के बाद अभी इनके पास मौका है कि ये पूरी मार्केट को इकट्ठा करने वाले हैं, यानी कि जो अभी पैसा लगा हुआ था वजीरेक्स के ऊपर या फिर बाकी इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, उनसे अभी क्या है कि काफ़ी सारे लोगों का भरोसा उठ चुका है कि एक्सचेंजेस इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से इनको एक और भी अच्छी और बेटर एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ेगा। और इसके काफ़ी सारे कारण हैं, सबसे बड़ा कारण तो अभी यही बन गया कि वजीरेक्स अभी काम ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके इसके ऊपर पैसे पड़े थे वो पैसे ऑलरेडी फंस चुके हैं, आपका जितना भी अमाउंट पड़ा था वो अभी बाहर नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं आया है। तो अभी थोड़ा डिटेल में चलते हैं। कॉइन गब्बर की बात करें तो यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की डिटेल थी वो अभी भी नहीं अवेलेबल है, अंडर मेंटेनेंस ही दिखाया जा रहा है। और इन्होंने एक मेंटेनेंस शुरू करी थी, स्केड्यूल मेंटेनेंस, जो कि 15 तारीख की थी। तो इसके ऊपर इन्होंने कोशिश करी कि कुछ चीज़ों को रिस्टोर किया जाए, तो यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स लगाए गए थे 18 जुलाई के बाद वाले, उनको अंडन किया गया, यानी कि उनको बंद किया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया, आपके जो ट्रेड्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया। अब वो ट्रेड्स तो नहीं लगेंगे, यानी कि चाहे कोई भी प्राइस पे ट्रेड लगा हो या फिर ट्रेड सच में हो गया हो, एक्सिक्यूट हो गया हो, तो उसको अंडन कर दिया गया अभी, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बैलेंसेस जो थे उनको रिस्टोर किया सभी अकाउंट्स के। और यहाँ पे एक और जो फाइनल अपडेट आया, रीसेंट अपडेट आया, उसमें ये बताया गया कि जो सोल्यूशन है INR बैलेंसेस का, इसके ऊपर ये प्रायोरिटी बेसिस पर काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा जितना भी INR बैलेंस पड़ा है या फिर एक्सचेंज के ऊपर हमने जो INR डाल के रखा है वो हमें तभी मिलेगा अगर ये उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी वॉलेट्स हैक हुए हैं वो वॉलेट्स हैक होने पर पूरा क्रिप्टो का बैलेंस ही हैक हुआ है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें INR भी हैक हुआ होगा। INR इनके जो वॉलेट्स में पड़ा है वो इनके बैंक अकाउंट्स में ही होगा, वो इनके पास ही पड़ा है, आई डोंट थिंक कि वो हैक हुआ है। इसी के साथ जो क्रिप्टो बैलेंसेज हैं उनका सोल्यूशन भी अभी ये कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम लेने वाले, क्योंकि ऑलरेडी एक महीना लिया है, अभी तक भी विड्रॉल शुरू नहीं हुए हैं, कोई भी ट्रेड नहीं लगा पा रहा है, ट्रेड तो कोई लगाना भी नहीं चाहता, और अपना जो पैसा वो भी नहीं निकाल पा रहा। अभी इनका कहना ये है कि एक लीगल एनालिसिस चल रहा है, उसके बेसिस पर ही सोल्यूशन निकाला जाएगा, और इसमें इन्वॉल्वमेंट काफ़ी सारी पार्टनर्स की है, जिसमें पार्टनर्स यहाँ इशू को सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी और ज़्यादा समय लगने वाला है, डिले और भी बड़ा होने वाला है, जो पहले भी हम देख चुके हैं। और एक ही चीज़ बार बार बोली जा रही है, अगर आप कमेंट्स में भी देखोगे हमारे जितने भी क्रिप्टो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि INR तो कभी स्टोल ही नहीं हुआ था, INR को तो कभी हैक किया ही नहीं गया था, तो आपने INR का बैलेंस वापस क्यों नहीं किया, या फिर INR के विड्रॉल्स को अभी निकालना अलाउ क्यों नहीं किया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कंपनी है जो वजीरेक्स कंपनी है, इन्होंने पहले जितने भी हम ट्रेड लगा रहे थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, अगर प्रॉफिट इतना अर्न किया है तो अगर आज के समय में इनके यूज़र्स को लॉस हो रहा है तो लॉस इन्होंने ही पे करना है, यानी कि कंपनी को खुद को पे करना बनता है। तो ओवरऑल अभी हम यही चाह रहे हैं कि जो विड्रॉल्स हैं वो शुरू हो जाने चाहिए, चाहे INR के विड्रॉल्स हैं चाहे क्रिप्टो के विड्रॉल्स हैं, वरना हमारा पैसा वहीं फंसा रह जाएगा, क्योंकि लगातार सिर्फ मेंटेनेंस का नाम ही दिया जा रहा है, आपका पैसा आपको दिख रहा होगा लेकिन उसका कर कुछ भी नहीं सकते। अब इसी दौरान बाइनेंस मार्केट में आ चुका है, मार्केट में बाइनेंस का वेबसाइट शुरू होने के साथ साथ अभी ऐप भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखने वाली है, जो मुझे लग रही है, वो यही है कि अगर बाइनेंस के ऊपर INR का डायरेक्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं होता है, यानी कि बैंक अकाउंट से अगर नहीं होता है तो शायद TDS नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो TDS डेफिनेटली लगने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बाइनेंस पूरी डिटेल गवर्नमेंट को देने वाला है, यानी कि अगर आप TDS नहीं भी पे कर रहे हो तो डिटेल तो गवर्नमेंट के पास जाएगी जाएगी, यानी कि TDS आपका जो पे करना बनता है वो करना ही पड़ेगा। तो आप एक बात बताना कि क्या आप अभी बाइनेंस के ऊपर अपना पैसा रखने वाले हो, अपने क्रिप्टो एसेट्स को रखने वाले हो, या फिर आप अपना अमाउंट बाइनेंस से निकाल कर किसी और वॉलेट में किसी और एक्सचेंज के ऊपर डालने वाले हो।
उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और इसी के साथ हमारे वॉल फ्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।